अगर आप बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस बहुत स्टेबल चलता आ रहा था, बट सडनली आपके साथ ऐसा हुआ कि आप बहुत ज़्यादा डेप्ट में आ गए। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस बिल्कुल कॉन्स्टेंट चलता आ रहा है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट चल रहा है आपका, एंड एकदम से डाउनफॉल आ गया, एकदम से आपके ऊपर डेप्ट आ गया। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इस सिनेरियो के बारे में बात करूंगा कि कब कब आपके ज़िंदगी में आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जब आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर मल्टीपल बिजनेसेस भी कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि आपने एकदम से सब कुछ ही लूज कर दिया अपना ज़िंदगी में। तो उसको डिटेल में एनालाइज करने के लिए हम कई चीज़ें एनालाइज करते हैं आपकी कुंडली के अंदर। उनमें से सबसे मेन चीज़, देखिए, जब आपके ऊपर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ गई है लाइफ के अंदर, मेन घर जो आपने एनालाइज करने हैं अपनी कुंडली के अंदर, वो एक तो होता है दूसरा घर, जो हो गया आपकी वेल्थ का घर। नेक्स्ट हो गया 11th हाउस, जो दर्शाता है आपको रेगुलरली एवरी डे कितनी इनकम आ रही है, रेगुलर कितनी इनकम आ रही है, ठीक है। थर्ड चीज़ आपने जो एनालाइज करनी है वो आ गया 12th हाउस, जिसको हम हाउस ऑफ लॉसेस भी बोलते हैं। अगर आपको मेजर लॉसेज हो रहे हैं, हो सकता है 12th हाउस की वजह से हो रहे हो। नेक्स्ट जो आपने एनालाइज करना है वो है 8th हाउस। देखिए, 8th हाउस हो गया प्योर सडननेस। अगर आपको बिल्कुल सडनली डाउनफॉल आ गया या बिल्कुल सडनली आपको अपवर्ड फॉल मिला लाइफ में, वो 8th हाउस की सिग्निफिकेंस आ गई। और लास्ट आपने 6th हाउस की सिग्निफिकेंस स्टडी करनी है। जिन लोगों का 6th हाउस स्ट्रांग होगा, उनको किसी ना किसी सोर्स से, हो सकता है आपका एक बिजनेस डूब जाए, बट आप दूसरे बिजनेस खोल के आपको सोर्स ऑफ इनकम, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, वो हमें 6th हाउस से मिलता है। क्योंकि आज के ज़माने में जब कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया हर इंडस्ट्री में, तो 6th हाउस की सिग्निफिकेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 2nd और 11th हाउस की है। तो इन सारे हाउसेस की एनालिसिस आपको करनी चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम बिजनेस तो अच्छा कर रहे हैं, हम डेली इनकम भी कमा रहे हैं, बट हमारे सिर पे डेप्ट बहुत ज़्यादा है, उधारी बहुत ज़्यादा है, या तो लोन्स ही बहुत ज़्यादा है। तो हमारे सारे पैसे, जितने भी हम चाहे, हम लाखों पैसे, लाखों रुपये रोज़ कमा रहे हो, लाखों रुपये हम महीने के कमा रहे हो, वो सारा का सारा या तो बैंकों की किस्तों में जा रहा है, या फिर किसी और से डेप्ट लिया हुआ है, यू नो, फैमिली एंड फ्रेंड से, उसमें जा रहा है। तो जब भी डेप्ट की बात आती है, उधारी की बात आती है आपके ऊपर, तो हम एक ग्रह जिसको मंगल बोलते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखिए, मंगल डेप्ट होता है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का डेप्ट है, वो मंगल से रिलेटेड है। आपको अपनी कुंडली के अंदर अगर आपको इनस्टेबिलिटी आई है लाइफ में पैसों से रिलेटेड, सबसे पहला ग्रह मंगल चेक करना चाहिए। अगर मंगल सही स्थितियों में नहीं बैठा, तो मंगल की रेमेडीज़ करना स्टार्ट करिए। देखिए, मंगल स्पेसिफिकली तीसरे घर में, छठे घर में थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, आठवें घर पे भी नेगेटिव थोड़ा सा हो जाएगा। तो आपको मंगल को स्ट्रेंथ देनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको तब देनी चाहिए अगर मंगल आपके पैसों वाले घर ही कंट्रोल करने लग गया। लाइक 2nd हाउस ही मंगल कंट्रोल कर रहा है, 11th हाउस ही मंगल कंट्रोल कर रहा है, छठे में बैठ गया, या फिर छठा कंट्रोल कर रहा है, 8th हाउस कंट्रोल कर रहा है, या फिर इवन 12वां घर। तो इनमें से कोई भी घर अगर मंगल कंट्रोल करेगा, आप ये देखिए कि मंगल की एक तो आपने डिग्निटी चेक करनी है, किस स्थिति में बैठा है। अगर आपकी डिग्निटी कम है मंगल की, तो मंगल को स्ट्रेंथन करने के लिए रेमेडीज करिए। जब आपने मंगल को एनालाइज कर लिया अपने चार्ट के अंदर, दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट आज के 21st सेंचुरी में, वो होता है आपके 6th हाउस का लॉर्ड। 6th हाउस में जो भी राशि पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल 9th राशि हुई तो जुपिटर लॉर्ड हो गया, तो 6th हाउस में जो भी ग्रह बैठे होंगे और 6th हाउस का जो लॉर्ड है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में जब हर कुछ, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, सब में ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो 6th हाउस हमारे कंपटीशन को दर्शाता है, हमारे एनिमीज को दर्शाता है। अगर आपका 6th हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, तो हो सकता है आप एक बार तो बिजनेस सेटअप कर लें, बट जब आपको वो डाउनफॉल आया बिजनेस में, तो आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं नया बिजनेस भी खोल लूँ, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन दिखा। ऑन दी अदर हैंड, जिन लोगों का 6th हाउस स्ट्रांग होगा कुंडली में, उनको कभी कंपटीशन से डर ही नहीं लगता। उनको नई चीज़ खोलने में, सेकंड बिजनेस खोलने में, फिर से यहाँ से जाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो 6th हाउस की सिग्निफिकेंस स्पेसिफिकली 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6th हाउस का आप लॉर्ड स्टडी करिए, कैसी डिग्निटी में बैठा है, और 6th हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उनकी सिग्निफिकेंस स्टडी करिए, और इन दोनों चीज़ों को स्टडी करने के बाद इनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करिए। कई लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा अच्छे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, इनके पास अपना बिजनेस भी है, रेंटल इनकम भी आ रही है,
और बीच बीच में स्टॉक्स में या क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करके भी पैसे आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका 11th हाउस खुलने के अंदर स्ट्रांग होगा। 11th हाउस स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि 11th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी डिग्निटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जो 11th हाउस का लॉर्ड है, जो रूलिंग प्लैनेट हो गया 11th हाउस का, उसकी डिग्निटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दोनों अच्छे नहीं होंगे तो हो सकता है आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कभी भी ना मिले लाइफ में। देखिए, जब आपने बिजनेस के साथ साथ रेंटल इनकम भी कमानी है, कुछ प्रॉपर्टीज बेच के वहां से इनकम भी कमानी है, बीच में स्टॉक से भी इनकम कमानी है, तो 11th हाउस सबसे मेन हाउस हो जाता है आपकी कुंडली के अंदर। तो नेक्स्ट जो मैं आपको सजेशन दूंगा वो ये है कि आप 11th हाउस की सिग्निफिकेटर्स को स्टडी करिए और उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में। नेक्स्ट चीज, देखिए, जब भी आपका बिजनेस में सडन डाउनफॉल हो गया या फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ चढ़ा हुआ है, तो हमारे पास दूसरी सोर्सेस ऑफ वेल्थ भी होती है जिसका सिग्निफिकेटर शुक्र होता है। देखिए, शुक्र कैसी वेल्थ का सिग्निफिकेटर है, जो कि एक तरह से फिक्स्ड एसेट्स हो गए। आपके पास जितनी भी लैंड है, लैंड का सिग्निफिकेटर शुक्र हो गया। गोल्ड का सिग्निफिकेटर शुक्र हो गया, जो आपके पास गोल्ड बचाया हुआ पड़ा हुआ है, जो सिल्वर आपके पास बचा हुआ है घर में, उसका सिग्निफिकेटर भी शुक्र हो गया। तो शुक्र ऐसी वेल्थ है, गाड़ियां आपकी शुक्र होगी, आपका घर शुक्र हो गया, जो लग्जरी घर है आपके पास वो भी शुक्र हो गया। तो ऐसी वेल्थ जो कि एक तरह से कैश नहीं है, यानी कि फ्लोटिंग वेल्थ नहीं है, वो शुक्र होती है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेसमैन के लिए। अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट्स नहीं होंगे तो दूसरे टाइम आने पर, यानी कि जब आपका डाउनफॉल आया, उस टाइम पे आपको स्ट्रेंथ्स के लिए या फिर अपना कुशन बनाने के लिए फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होते हैं। हो सकता है आपके पास डाउनफॉल आ गया और आपने गोल्ड बेच के उसको टैकल कर लिया, इसी तरह आपने कुछ प्रॉपर्टी बेच दी और आपका लॉसेस कवर हो गए। तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाने के लिए भी और फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने के लिए भी शुक्र की पावर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो शुक्र की एनालिसिस करिए अपनी कुंडली में। शुक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको रोज शुक्र का एक तो मंत्र बोलना चाहिए और परफ्यूम लगाना चाहिए, प्लस शुक्र जिस घर में बैठा है, किस डिग्निटी में बैठा है, उस हिसाब से शुक्र का आप जेमस्टोन भी डाल सकते हैं, जो कि डायमंड भी हो सकता है, जो कि वाइट सफायर भी हो सकता है। वाइट सफायर एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव है डायमंड का, क्योंकि यहाँ पे आप कम पैसों में ज्यादा कैरेट्स पहन सकते हैं। तो वाइट सफायर आपको मेरी वेबसाइट astroindia.com पे भी मिल जाएगा, आप जाके वहां पे स्टडी कर सकते हैं वाइट सफायर की क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे वाइट सफायर शुक्र को स्ट्रेंथन करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हम आ गए इजी मनी के ऊपर। देखिए, जब सडन मनी लूज होगी या सडन मनी गेन होगी, 8th हाउस की सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने क्या चेक करना है कि 8th हाउस में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं और 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस डिग्निटी में बैठा है। अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं, आपके लॉसेस तो हो गए, आपको सडनली बिजनेस में लॉसेस हो गए, डाउनफॉल मिल गया, बट 8th हाउस के सिग्निफिकेटर्स को यूज करके आप सडनली गेन्स कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में गेन कर सकते हैं, बिटकॉइन में गेन्स कर सकते हैं। तो इसीलिए 8th हाउस की सिग्निफिकेंस बहुत जरूरी है। और 8th हाउस के साथ साथ चंद्र यानी कि मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी करना। देखिए, मून अगर अर्थली साइंस में होगा 2, 6, 10 यानी कि टॉरस में होगा, वर्गो में होगा या कैप्रिकॉन में होगा, बहुत स्टेबल होता है। जब स्टेबल माइंड होगा तभी आप सडन गेन्स कर सकते हैं, आप तभी वेट कर सकते हैं कब मार्केट आपके लिए ऊपर गई और तब आपने बेचा। तो मून की सिग्निफिकेंस प्लस 8th हाउस की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने सडन गेन्स करने हैं लाइफ के अंदर। आखिर में मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर सडनली एकदम से डेप्थ आया लाइफ के अंदर या फिर आप इनस्टेबिलिटी में फंस गए हैं, मनी इनस्टेबिलिटी में फंस गए हैं, और आपने ये सब कुछ चेक कर लिया जो मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया, जहां आपका ऑफिस है और जो आपका घर है, इन दो जगहों का वास्तु बहुत ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंस प्ले करता है। अगर आपकी कुंडली 100% सही भी है और आप गलत ऑरा में काम कर रहे हैं, गलत ऑरा में बैठ के आप वाइब्रेशंस ले रहे हैं उस एनवायरनमेंट की, अपने घर की, क्योंकि आप देखिए घर में मिनिमम 8-10 घंटे तो बिताएंगे, इसी तरह ऑफिस में भी 8-10 घंटे आप ऑन अ नॉर्मल डे बिताते ही बिताते हैं। तो इन दोनों जगहों की यानी कि आपका घर और आपका ऑफिस, इन दोनों का वास्तु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्पेसिफिकली तब जब आप ऑलरेडी एक फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं। अगर आपने फाइनेंशियली बहुत बड़े बड़े लॉसेस देखनी है, इट्स रिकमेंडेड कि आप दोनों वास्तु चेक करवाएं। मेरी वेबसाइट astroindia.com पे आप वास्तु के बारे में डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको पिरामिड्स भी मिल जाएंगे, जो पिरामिड्स आपके ऑफिस या होम एनवायरनमेंट की जो एनर्जीज है, जो वाइब्रेशंस है, उनको ठीक करते हैं। वो पिरामिड्स होते हैं जिनकी डिग्रीज 51 डिग्री पे जो बेंड होते हैं,
तो पिरामिड्स यूज करके आप वास्तु को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप स्टडी करिए मेरी वेबसाइट पे जाके। आई होप अगर आप इनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं उससे बहुत जल्द बाहर आएंगे, और ये सब कुछ एनालाइज करके आप कम से कम उसका सोर्स पता लगवा सकते हैं कि कैसे मेरे ऊपर जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आई है उसको मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ,